दोस्तों, मैं संतोष पंजाब से आप सभी व्यूअर्स का तह दिल से स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको ड्रमस्टिक सहजन के पत्तों की, ये सहजन के पत्ते हैं, इस प्रकार से होते हैं, छोटे छोटे सहजन के पत्तों की, पत्तों का पाउडर और चटनी बनाना बताऊंगी। पर मैं अब आपको, ये अब सूख चुके हैं, इतनी खुश्क हवाएं चल रही हैं, ये अपने आप ही आज वृक्ष से लेके आए हैं, तब भी ये एकदम खुश्क और सूखे हो चुके हैं, इसलिए मैं आपको अब पाउडर बनाना इसका बताऊंगी, जो कि आप दाल में, दही में, रायते में आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने कल वीडियो बनाई थी कढ़ी पत्ता की, वैसा ही ये पाउडर बन जाए, उससे भी ये टेस्टी पाउडर बनता है और बहुत ही फ़ायदेमंद पाउडर है ये। दक्षिणी अफ्रीका वाले लोग तो इसे बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज़ करते हैं, वहाँ पे कुपोषण का शिकार जो महिलाएं गर्भवती अवस्था में हैं, बच्चे कुपोषण का शिकार हैं, उनको इसके लिए ख़ास हिदायत दी जाती है कि वो ड्रमस्टिक का प्रयोग करें। ये ड्रमस्टिक का प्रयोग, इसकी छाल, फली, पत्ते, टहनी जो भी होता है उसका साउथ अफ्रीका में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। अब हमारे यहाँ इंडिया में भी इसकी प्रचुर मात्रा में पैदावार हो रही है और बहुत मात्रा में इसका यूज़ हर तरह से कर रहे हैं। ये एक कटोरी मैंने ड्रमस्टिक पत्तों की ली है, जो इसमें सामान डलता है वो मैं आपको बता रही हूँ। ये सूखे मसाले, अमचूर, ये अमचूर पाउडर भी आप डाल सकते हैं, और मैंने ये अनारदाना लिया है, काली मिर्च पाउडर, नमक स्वादानुसार, लाल मिर्च, आप एक चुटकी हल्दी डालनी है तो डाल सकते हैं, डाल दें, इससे कलर बहुत अच्छा आता है, और रिफाइंड तेल आधा चम्मच, दो चम्मच चने की दाल, दो चम्मच उड़द की दाल, धनिया खड़ा मसाले में, धनिया, काली मिर्च, जीरा, बड़ी इलायची, और ये मेथी दाना, और ये राई है। आप मेथी दाना और राई का यूज़ कम करें, क्योंकि इससे थोड़ी सी कड़कता आ जाती है, कड़वापन आ जाता है। आप अगर आधा चम्मच मेथी दाना लेते हैं तो आधे से कम चम्मच ही आप राई लें, वैसे ये हाजमे के लिए बहुत बेहतर होती है, और सूखी हुई लाल मिर्चें बहुत स्वादानुसार। हम इसको रोस्ट करेंगे सभी मसालों को, जिस प्रकार कड़ी पत्ते का मसाला हमने रोस्ट किया था उसी प्रकार थोड़ा सा घी, ये रिफाइंड डाल के, ये गैस ऑन कर दिया है, ये बिल्कुल हाफ चम्मच डाल के हम सारे मसाले एक एक करके, जैसे चने की दाल है वो हम पहले रोस्ट करेंगे क्योंकि ये समय ज़्यादा लेती है, और उसके बाद जो दूसरे मसाले हैं उस टाइम कढ़ाई अपने आप गर्म होगी, उसमें अपने आप रोस्ट हो जाएंगे। चने की दाल, इसको हम, ये चने की दाल हल्की सी रोस्ट हो चुकी है और इसकी खुशबू अरोमा की तरह बाहर निकल रही है, ये देख रहे हैं आप, बिल्कुल ब्राउन दाने हो चुके हैं, बिल्कुल येलो से बिल्कुल ब्राउन दाने हो गए, सिम सेक पे ये अब निकाल लेते हैं। अब हम दो चम्मच इस प्रकार से डाल के उड़द की दाल को रोस्ट कर लेंगे और ये हल्की भुन जाएगी, तो दूसरे मसाले रोस्ट करें। ये उड़द की दाल हमारी हल्की हल्की रोस्ट हो चुकी है, इसे हम निकाल लेते हैं, निकाल के ये देख रहे हैं इसके दाने बिल्कुल सिम से पे ब्राउन कलर के हो चुके हैं, तो हम निकाल लेते हैं। अब मैं ये सूखे खड़े मसाले रोस्ट करूंगी इस प्रकार से, इसे दो चम्मच जीरा, इसे हम पहले थोड़ा सा भून लेंगे, उसके बाद दो इलायची ना सिम से करते, दो या तीन दाने इलायची, बड़ी इलायची के इस प्रकार से, ये बड़ी इलायची, एक चम्मच धनिया,
जो हमारे खाने के टेस्ट को अच्छा बनाता है। एक चम्मच मैं काली मिर्च लूँगी ताकि ये पाउडर हाजमे के लिए बहुत अच्छा काम करे। और मैं मेथी दाना बिल्कुल आधा चम्मच, और आधा चम्मच ही मैं राई का दाना लूँगी। और तीन या चार पीस आप लाल मिर्च, साबुत लाल मिर्च के लिए, और इस प्रकार से आप भूनें। आप देखेंगे कि बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। मसाले बिल्कुल रोस्ट हो चुके हैं, आप देख रहे हैं बिल्कुल ब्राउन कलर के हो चुके हैं मसाले। ये सारे मसाले भुन चुके हैं। हाफ चम्मच डाल के, बिल्कुल हाफ, और ये ड्रमस्टिक जो पत्ते ऑलरेडी सूख चुके हैं, अगर आपके पास थोड़े से आधे सूखे हुए हों या गीले हों आप तब भी उसको रोस्ट कर लें। वैसे आप देखेंगे मौसम के हिसाब से ये अपने आप ही सूख के इतनी खुश्क हवाएं चल रही हैं। ये आप इसे इन्हें रोस्ट करें, और रोस्ट करने के बाद ये और भी कड़क हो जाएंगे। इस प्रकार से आप ये हल्का हल्का रोस्ट कर लें, और रोस्ट करने के बाद, और ये जो हमारे मसाले चना दाल उड़द दाल और ये सारे खड़े मसाले हैं वो बहुत अच्छी तरह भुन चुके हैं, जिनको हम मिक्सी में डाल के बीट करेंगे। और इधर हमारा ड्रमस्टिक सहजन के पत्ते हैं, ये हमारे तकरीबन सिम सेक पे भुन चुके हैं। आप देख रहे हैं नीचे बिल्कुल ब्राउन ब्राउन पत्ते हो चुके हैं। ये सारे मसाले भुन के तैयार हो चुके हैं। ड्रमस्टिक के पत्ते भी हमने हल्के रोस्ट कर लिए थे, अब ये बिल्कुल कड़क हो चुके हैं। अब मैं इसमें सूखे मसाले डालूँगी। इस प्रकार से एक चम्मच काली मिर्च, अनारदाना एक चम्मच, और डेढ़ चम्मच के करीब नमक, एक चम्मच के करीब लाल मिर्च, और पिंच भर थोड़ी सी हल्दी, जिससे इसका कलर और भी अच्छा आएगा। ये हम बीट कर लेते हैं। ये सहजन के पत्तों का ये पाउडर बन गया, आप देखिए बिल्कुल। और इसकी खुशबू अगर आप बनाएं तो आप देखेंगे खुशबू बहुत अच्छी खुशबू है। पत्तों का ये पाउडर बन चुका है, इसकी खुशबू आप देखेंगे बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, और बहुत अच्छा इसका टेस्ट है। इसे आप दही रायता दाल चावल में यूज़ करें, और अपनी सेहत का ध्यान रखें। अपने अनुभव मेरे साथ शेयर करें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो लाइक करें। धन्यवाद।